अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। सो द क्वेश्चन इज गिवन ऑन योर बुक ऑन पेज नंबर 219। यू कैन चेक ऑन योर बुक्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है दैट इज ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो है उसका वो जो शेप है वो एक ट्राइंगुलर शेप में है। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो रोड्स पे होता है उस पर लिखा है स्कूल है। खैर हमें इसके साथ कुछ नहीं है कि उस पर क्या लिखा है, हमें इसकी शेप की तरफ देखना है। सो इसकी एक ट्राइंगुलर शेप है, बट कौन सी ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा ही होगा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, उसमें एक आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होंगे। बट यहाँ पे क्या दिया गया है दैट वन साइड इज ए। Since it's an equilateral triangle, so all the three sides will be A. So find the area of the signal board. हमें इस signal board का area find करना है। Since it has a shape of a triangle, so हमारे पास Heron's formula है, उसको use करके हमें इस triangular shape का area find करना है। But if its perimeter is 180 centimeter, यहाँ पे question में दिया गया है perimeter. Perimeter is 180 centimeter. What will be the area of the signal board? हमें इसका area find करना है। तो चलिए देखते हैं इस question को कैसे करते हैं। सो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है ट्राइंगुलर शेप का है। सो मैं यहाँ पे एक इसकी फिगर बनाती हूँ, ट्राइंगल, बट इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों साइड जो है इक्वल होते हैं, बट यहाँ पे दिया गया है दैट वन साइड इज ए, सो ऑल द थ्री साइड्स विल बी ऑफ ए यूनिट्स। सो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है एक ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल के साइड्स क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है दैट इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो मैंने यहाँ पे इसके तीनों साइड जो वो इक्वल होंगे, बट एक साइड जो है वो इक्वल जो ए है, तो मैंने यहाँ पे ए ए ए लिखा है। क्यों, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड जो होंगे इक्वल होंगे। क्वेश्चन में वो दिया गया था दैट इसका जो पेरीमीटर है वो इक्वल टू 180 सेंटीमीटर है। बट हेरॉन्स फॉर्मूला में स्टूडेंट्स हमें पेरीमीटर का यूज नहीं होता, हमें सेमी पेरीमीटर का यूज होता है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि सेमी पेरीमीटर कैसे मिलेगा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखती हूं, हियर वन साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू A. One side of equilateral triangle is equal to A. Therefore, perimeter किसके बराबर दिया गया था? Perimeter दिया गया है 180 के बराबर. So मैं लिख सकती हूँ, therefore perimeter of equilateral ट्राइंगल इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप सबको पता ही होगा पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर होता है अगर हम इसकी बाउंड्री जो है किसी भी फिगर की किसी भी शेप की अगर हम बाउंड्री को जो है ऐड करेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। सो इस ट्राइंगल के तीनों साइड है इक्वल टू ए, तो पेरीमीटर हमें किसके बराबर मिलेगा, ए प्लस ए प्लस ए। सो ए प्लस ए प्लस ए विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए। सो हमें पेरीमीटर यहाँ पे निकला इक्वल टू 3 टाइम्स ए, बट क्वेश्चन में दिया गया था दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो मैं लिखूंगी बट इट इज गिवन दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर मीटर। सो अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर के बराबर यहां से हमें मिला पेरीमीटर इज इक्वल टू 3a, सो मैं लिख सकती हूं कि 3a इज इक्वल टू 180। सो a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, 3 वन जा 3 सिक्स जा, सो a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर।
मीटर. सो मुझे यहाँ पे साइड तो नहीं दिया गया था, बस इतना दिया गया था दैट इट्स इक्वल टू ए. तो मैंने ए को फाइंड किया, ए मुझे निकला 60. सो ये भी होगा 60 और ये भी होगा 60, क्योंकि तीनों ए के बराबर है. नाउ हमें ए तो मिल गया, अब हम सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे. तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बोला था सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर. सो मैं लिख सकती हूं नाउ सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज गिवन बाय पेरीमीटर अपॉन 2. बट पेरीमीटर कितना था, 180 अपॉन 2 करके मुझे मिल जाएगा 2 1s are 2 9s are 18 विच इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. नाउ मेरे पास एस की वैल्यू भी आ गई और मेरे पास साइड्स भी मिल गए. मैं इजीली अब हेरोन फॉर्मूला को यूज करके इस ट्रायंगल का जो है एरिया फाइंड कर सकती हूँ. तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को हेरोन फॉर्मूला में पुट करेंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. सो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा हेरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एरिया किसके बराबर होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. सो मैं यहाँ पे एस की वैल्यू क्या पुट करूंगी, 90, और ए बी और सी की वैल्यू 60 पुट करूंगी. ए की भी 60, बी की भी 60, सी की भी 60. क्यों, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड जो है वो इक्वल होंगे. सो अंडर रूट 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू अगेन 90 माइनस 60. नाउ अंडर रूट 90 इंटू 90 माइनस 60 इज 30, 90 माइनस 60 इज 30 एंड अगेन 90 माइनस 60 इज 30. नाउ मुझे मिल जाएगा. सो यहाँ पे मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर 90 यहाँ पे है तो मुझे 90 को ब्रेक करना पड़ेगा. तो मैंने 90 को कैसे ब्रेक किया है, मैंने 90 के बदले लिखूंगी 3 इंटू 30, बिकॉज 3 इंटू 30 इज इक्वल टू 90. सो मल्टीप्लाई में है ये वाला 30 इंटू दिस 30 इंटू 30. तो अब मैं क्या करूंगी, अंडर रूट, सो 3 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि 3 के साथ कोई और 3 नहीं है. सो बट 30 मुझे पेयर्स में मिल गए तो मैं लिख सकती हूँ 30 का स्क्वायर इंटू 30 स्क्वायर. अब रूट अलग से लगा देती हूँ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 30 स्क्वायर इंटू अंडर रूट 30 स्क्वायर. सो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा स्क्वायर और रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा अंडर रूट 3 इंटू 30 इंटू 30 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 30 इंटू 30 इज 900 विच इज इक्वल टू 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विच वॉज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. थैंक यू.